कैसे करो? तो उन्होंने कहा मिथ्या योग कर दो, हमारे इतिहास के साथ मिलावटें करके मिथ्या योग कर दिया, हमारे राम के चरित्र को जो है वो उन्होंने विकृत कर दिया, हमारे योगीराज कृष्ण के चरित्र को जो है अश्लील बना करके रख दिया, योग करा मिथ्या योग किया, और उस मिथ्या योग का परिणाम क्या हुआ कि हमारी संस्कृति जो है वो एकदम रसातल के अंदर जो है चली गई। हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर अगर मिथ्या योग होता है तो हमें पारिवारिक दुख होते हैं। समाज है, दो परिवार है, एक का युवक है एक का युवती है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, युवक अपने परिवार से कहता है, युवती अपने परिवार से कहती है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परिवारों से मिलते हैं, छानबीन करते हैं, युवक और युवती के गुण कर्म स्वभाव को समझते हैं, बोले हर तरीके से ठीक है, और दूसरे किसी पाखंड में नहीं पड़ते, देखते हैं बिल्कुल सही है, दोनों के गुण कर्म स्वभाव है, दोनों परिवारों की नेचर एक जैसी है, स्तर एक जैसा है, थिंकिंग विचारधारा एक जैसी है, चलो इनका विवाह करते हैं, दावतें होती हैं, वादे बसते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, और चारों तरफ वेदियां होती हैं, सुख और आनंद का उत्सव मनाया जाता है। अब दूसरी स्थिति आती है, वहां पर भी दो युवक आपस में मिलते हैं, उनमें आपस में प्रेम होता है, अपने परिवार वालों से कहते हैं, परिवार वाले सोचते हैं हाँ भाई मिलते हैं, आपकी जाति कौन सी है, मेरी जाति ये है, आपका जो है वो 36 गुण कौन से हैं, ये 36 गुण कौन से हैं, वो जो तथाकथित 36 गुणों के चक्कर में पड़ जाते हैं, ग्रह और मुहूर्तों के नक्षत्र में पड़ जाते हैं, अपने स्तर को देखने लगते हैं, स्टैंडर्ड को देखने लगते हैं, ये विवाह नहीं हो सकता। युवक और युवती जो है वो कटिबद्ध है अपना विवाह करने के लिए, नतीजा क्या होता है, दोनों घर से भागते हैं, भागते हैं तो पुलिस में रिपोर्ट करी जाती है, गिरफ्तारियां होती हैं, अदालतें भरी जाती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, दुखी दुख का साम्राज्य होता है, क्यों, क्योंकि वो जो विवाह के अंदर जो पाखंड हमारे समाज के अंदर फैला हुआ है उसका मिथ्या योग हुआ, और उसने दोनों परिवारों को जो है स्वस्ति के स्थान पर, सुख और ऐश्वर्य और आनंद के स्थान पर जो है दुख और कलह के अंदर जो है उसके अंदर इस मिथ्या योग में परिवर्तित। हमारे योग के अंदर बहुत सारी बातें हैं, हम योग करते हैं, अभी तो प्रचलित किया है कि भाई ये आसन कर लो यही योग है, अब योग किया, अब हमारे मित्र हैं वो योग करते थे, योग करते थे हर्निया हो गया, डॉक्टर के पास मित्रों ने पूछा भाई चक्कर क्या है, आप तो बहुत योग करते हो, कैसे योग करते हो, कितना करते हो, तो बोले जी मैं कपाल भाती 2 घंटे करता हूँ और अनुलोम विलोम को 15 मिनट करता हूँ। बोले ये तो देख लो कितना कितना करना चाहिए और दोनों प्राणायामों में कितना सामंजस्य होना चाहिए और कितने कितने समय होना चाहिए, कितना अनुपात होना चाहिए, हमने जो बराबर बराबर समय के अंदर किया जाना था उसमें एक को 10 मिनट सीमा दे दी और एक को 2 घंटे की सीमा दे दी, एक मिथ्या योग कर दिया और उसके कारण जो है हम रोगग्रस्त हो। तो ये मिथ्या योग है, ये सबसे पहले देखना पड़ेगा, योग की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं मिथ्या योग नहीं होता। और दूसरा आ जाता है अतियोग। अति तो कहते हैं कि अति का फलाना बोलना, अति की भलीना चो, अति का फलाना बरसना, अति की भलीना धूप, अति सर्वत्र वगैरह। जब हम किसी चीज की अति कर लेते हैं, जब अति योग हो जाता है तो वो हमारे दुखों का कारण होता है। हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और बैठ जाते हैं यज्ञ कुंड के चारों ओर। कितने बैठते हैं? 12 व्यक्ति बैठते हैं। 12 व्यक्ति जब बैठते हैं यज्ञ कुंड के चारों ओर, 12 में से एक व्यक्ति घृत की आहुति देता है और 11 व्यक्ति समिधा की आहुति देती है। नतीजा क्या होता है? अग्नि प्रज्वलित होने के स्थान पर धुआं फैल जाता है, लोगों की खांसी आने उठने लगती है, दम घुटने लगता है, सांस फूलने लगती है, लोग इसे ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए क्या जरूरी है कि अति योग जो है वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये 3 तो वो हैं जिन जो निषिद्ध हैं। तो इनको निषिद्ध करने के बाद जो स्वस्ति की ओर हमको जुड़ाव ले जाता है, वो जुड़ाव जो है
किस प्रकार का हो, क्या हो, तो उसके प्रणेता जिसको हमने योग दर्शन कहा, उस योग के जो प्रणेता हैं वो महर्षि पातंजलि हैं। और उनके साथ साथ जोड़ना जरूरी है महर्षि व्यास को भी। योग दर्शन चलते हैं तो साथ में सांख्य दर्शन को भी उसका अध्ययन करना जो है वो आवश्यक है। अब महर्षि पातंजलि ने जो है योग की एक सुंदर सी एक लाइन की जो है परिभाषा दी, डेफिनेशन दी थी, चित्त वृत्ति निरोधा योगा। मूल क्या है हमारी वैदिक संस्कृति का, मूल क्या है हमारी वैदिक संस्कृति को किस रूप में जाना जाता है? दो संस्कृतियां विश्व के अंदर हैं, एक भोगवादी संस्कृति है, एक त्यागवादी संस्कृति है। हमारी संस्कृति त्यागवादी संस्कृति है, अपने पर नियंत्रण करने वाली संस्कृति है। दूसरी भोगवादी संस्कृति है, स्वच्छंदता उच्छृंखलता पैदा करने वाली संस्कृति। तो योग परिभाषा प्रारंभ करेंगे तो क्या कह दिया, चित्त वृत्ति निरोधा योग। दूसरी योग की परिभाषा किसने दी, जो इस विश्व के अंदर सबसे पहला वो व्यक्ति हुआ जिसको योगेश्वर कहा गया। हमने उसके चरित्र को कितना विभत्स भयानक बना दिया ये बात दूसरी है, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो उसका जीवन ऐसा था जो एक सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी का, योगेश्वर का जीवन था, और वो थे योगेश्वर श्री कृष्ण। और योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है, कर्म की कुशलता, कर्म के अंदर कुशलता, स्किल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। कर्म प्रधान विश्व रचिरा था मनुष्य के लिए कहा गया, तुलसीदास जी कहते हैं तो हमारे लिए कर्म प्रधान है। और कर्म के लिए क्या जरूरी है कि कर्म के अंदर कुशलता आनी चाहिए, दक्षता आनी चाहिए, एफिशिएंसी आनी चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। वो कहां से प्राप्त होगा, वो हमको योग। अब ये तो परिभाषा दे दी, और इस परिभाषा के आगे चल करके कि भाई योग कैसे किया जाए, योग क्या है, तब महर्षि पातंजलि ने कहा कि योग के 10-8 अंग हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उन्नति के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए हर प्रकार का विकास, ग्रोथ, डेवलपमेंट जरूरी है। हमारा शारीरिक, एक बच्चा जो है जब स्कूल के अंदर आता है तो हमारा लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है शिक्षा का, कि इसका विकास करो। तो एक कहता है इसका शारीरिक विकास करो, एक कहता है इसका मानसिक विकास करो, एक कहता है इसका आत्मिक विकास करो, एक कहता है इसका आध्यात्मिक विकास करो, सामाजिक विकास करो। प्रश्न उठता है कौन सा विकास पहले किया जाए। तो हमारे शिक्षा सिद्धांत ये कहता है कि बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, हर चीज का डेवलपमेंट और विकास होना चाहिए, और सब एक साथ होना चाहिए। इसलिए महर्षि पातंजलि ने सभी विकास, हर प्रकार के विकास के लिए उन्होंने मार्ग बताया। उन्होंने कहा मानसिक और सामाजिक विकास के लिए योग यम और नियमों का पालन करो। हमारा तुम्हारा स्वयं का निर्माण कैसा हो, तुम्हारा स्वयं का आचरण कैसा हो, यम का पालन करोगे तब वो निर्माण होगा। तुम्हारा व्यवहार कैसा हो, तुम्हारा इंटरेक्शन कैसा हो दूसरे के साथ, तुम किस तरह से दूसरे के साथ व्यवहार करो, बात करो, चीज करो, यह करने के लिए क्या है कि उन्होंने 5 नियम बता दिए। और शारीरिक विकास के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए उन्होंने कहा भी आसन और प्राणायाम को। आत्मिक विकास के लिए धारणा और ध्यान को धारण करो। और ईश्वर की निकटता के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए जो है वो ध्यान समाधि, जो धारणा ध्यान और समाधि, ध्यान और समाधि को जो रखना हो। अब हमने एक एक विकास को लेकर के उसको योग का नाम दे दिया। जब हमने उसको योग का नाम दे दिया तो क्या सोचा कि एक सामान्य पुरुष, मेरे जैसा व्यक्ति, जो एक रोगी व्यक्ति है, वो योग करना चाहता है, तो मैं सोचता हूं कि 8 अंगों को छोड़ो, एक ही अंग को जो है आगे बढ़ा लो, इसी का विकास करो। लेकिन उससे विकास नहीं होता, उससे विनाश होता है।
एक अंग आपका ये शरीर है, शरीर कब पुष्ट होगा, कब स्वस्थ होगा, कब आप अच्छी देह यष्टि के स्वामी बनेंगे, जबकि हाथ पैर सिर गर्दन सीना पेट सब आपका जो है स्वस्थ होगा। अब आप अपने हाथों का जो है डेवलपमेंट करते चले जाएं, पैरों का डेवलपमेंट करते चले जाएं, और सर का और गर्दन का या सीने का डेवलपमेंट ना हो, विकास ना हो, तो क्या नतीजा होगा? एक बेडोल आकृति आपकी जो है बन जाएगी। जरूरी क्या है कि सारे अंगों का विकास एक साथ हो। अब इधर तो सारे अंगों की बात करी और महर्षि पातंजलि ने लंबा चार्ट दे दिया कि 8 तो अंग हैं, सारे अंगों का विकास एक साथ करना है, और उसमें भी पहले के 5 उपांग हैं, दूसरे के 5 उपांग हैं, 5 और 5 10 और 16, अब इन 16 के ऊपर जो है मैं अपना कार्यक्रम कैसे चलाऊं, तो मैं एकदम डर जाता हूं, भयभीत हो जाता हूं। तो उस स्थिति में इस मानसिकता को, इस मनोवैज्ञानिकता को जो है वो महर्षि पातंजलि समझते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि 8 अंगों का विकास करना है, लेकिन इसको करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाना है, क्या क्रियाविधि अपनानी है, क्या मार्ग अपनाना है, तो उन्होंने 3 मार्ग बता दिए। और क्या कह दिया? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योगः। ये क्रिया योग 3 हैं, इनके मार्फत, इनके द्वारा जो है आप इन समस्त जितने भी योग के अंग हैं उनको धारण कर सकते हैं और अपना सर्वांगीण विकास जो है कर सकते हैं, और मोक्ष की ओर जो है, जो आपका लक्ष्य है, अल्टीमेट एम है, उसकी ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, क्या बात कही उन्होंने? उन्होंने पहली बात कही कि पहले वर्ब क्या है, पहली क्रिया क्या है? तप। तप किससे संबंधित है? ये वास्तव में जो शारीरिक साधना है वो तप है, और उसके लिए बीज रूप हमारे आयुर्वेद के अंदर दे दिया कि भाई आप जो है तप करना चाहते हो, शारीरिक तप सामान्य रूप से जो है अधिकांश भाग तप का शरीर से संबंधित होता है, तो वो इसको कैसे करो? तो उन्होंने एक सूत्र दे दिया, 3 शब्दों का सूत्र दे दिया। क्या दिया? कि भाई मित्र भोग, हित भोग, ऋत भोग। इस शरीर को योग के लिए आगे बढ़ाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और भोजन के लिए क्या जरूरी है? 3 बातों का ध्यान रखो, मित भोग कम खाओ, हित भोग लाभकारी खाओ। अब हमारे यहाँ क्या है, अब आजकल जो हमारे शिक्षा संस्थान है, जाकर के देखिए बड़े बड़े पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ बच्चों को सुबह से ही खिलाना प्रारंभ कर दिया जाता है। स्थिति क्या होती है कि उस बच्चे का पेट जो है उस दाल की देगची की तरह से हो जाता है, जिसके अंदर आपने एक लोटा पानी डाल करके एक मुट्ठी दाल डाल दी, 5 मिनट आए बाद आए खोला, एक मुट्ठी और डाल दी, फिर 5 मिनट बाद आए फिर एक मुट्ठी और डाल दी, और उसको डाल के चले गए, वो दाल कैसे पकेगी, कैसे पाचन होगा? तो आज जो हमारी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था चाहे हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वो इस मित भोग को लागू करने के लिए, इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और हित भोग क्या खाते हैं बच्चे? आप सब परिवार वाले हैं, सबके घर में ये समस्याएं होंगी कि आजकल के बच्चे क्या खाना चाहते हैं। और ये दोनों चीजें होने के साथ साथ एक परम आवश्यक जो है वो और निर्देश दिया हमारे आयुर्वेदाचार्य ने, और क्या कहा? ऋत भोग। क्या खाओ? मेहनत की कमाई का खाओ, सच्ची कमाई का खाओ, ईमानदारी का कमाई का खाओ। अगर नहीं खाओगे तो जैसी कमाई करोगे वैसा ही विकास आपका होगा, वैसे ही शारीरिक विकास होगा, वैसे ही मानसिक विकास होगा। अक्सर जो है इसका प्रमुख रूप से इसका जो है वो उल्लेख किया जाता है भीष्म पितामह का, कि अंतिम समय में द्रौपदी ने पूछा, जब उनसे उपदेश दिया, उपदेश दे रहे थे, पूछा महाराज आज ही उपदेश दे रहे हो, तब वो उपदेश कहाँ चला गया, जबकि मेरा अपमान हो रहा था, मेरी इंसल्ट की जा रही थी या अश्लील बातें की जा रही थी, तब आपका ये आत्म ज्ञान कहाँ था, उस समय ज्ञान क्यों नहीं था? तो भीष्म पितामह कहते हैं बेटी तुम सही कहती हो, उस समय मेरे शरीर के अंदर दुर्योधन के भोजन का रक्त संचरण कर रहा था, इसलिए उसका प्रभाव था, आज वो रक्त निकल चुका है, मैं
मैं निर्मल हो चुका हूँ, मेरे शरीर में कोई भी गंदा रंग नहीं है, इसमें सही बात मन में आ रही है, सही ज्ञान तुमको दे रहा हूँ। तो सबसे पहली जरूरत क्या है कि हम योग करने के लिए जाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ योग करने जा कहाँ जा रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यह, ये योग इतना बढ़ा, इतना प्रचलित हुआ, इतनी तेज गूंज हुई इसकी कि योग से योगा हो गया। अब योग कोई प्रयोग ही नहीं करता, जिससे पूछो कहाँ जा रहे हो, योगा करने जा रहे हैं। मैं देखता हूँ अक्सर कहाँ जा रहे हैं, वो पूरा मैच बगल में दबाए हुए बस्ता पूरा लिए हुए कंधे पर टांगे हुए कहाँ जा रहे हैं, योग करने जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो देखा कि वो पूरा ग्रुप जो योग करके आया वो कचौरी और समोसे खा रहा है खड़ा हुआ। क्या करके आ रहे हो, योग करके आ रहे। तो यह जो योग की स्थिति है, ये इसको प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आपका भोजन जो है वो नितांत आवश्यक है। इसीलिए जो है महर्षि पतंजलि जी कहते हैं तपः, और जब तुम सही भोजन करोगे तब तुम अपने बारे में सोच सकते हो, तब तुम दूसरों के बारे में सोच सकते हो, तब तुम समाज के बारे में सोच सकते हो। तब उन्होंने दूसरा क्या क्रिया बताई, दूसरा वर्ब क्या बताया, दूसरा एक्शन क्या बताया, क्या करो, स्वाध्याय करो। ये स्वाध्याय ही तुम्हारे कष्टों का निवारण करेगा। और स्वाध्याय का मतलब होते हैं दो, एक अपना अध्ययन करना, अपने को समझना। वही कर्ता आती गाते विरजानंद ने उससे पूछा कौन कहां से आया, यही जानना चाहता हूं मैं, यही जानने आया। विरजानंद ने पूछा कौन है गुंडा खटखटाया, तो बोले महाराज यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं का जानना जो है ये स्वाध्याय के अंदर आता है अपने। और उसके लिए क्या है कि आप वेदों का अध्ययन करो, स्वाध्याय दूसरा स्वाध्याय करो, स्वयं अध्ययन करो। जब तक खुद अध्ययन नहीं करोगे तब तक पार नहीं पड़ेगी, इसलिए अपना। और जब आप अध्ययन की प्रवृत्ति हो जाएगी तब जब कोई संकट आएगा तो ये स्वाध्याय आपको संकट से निवारण कर देगा। महात्मा हंसराज जी, उनको महात्मा शब्द कहा गया, वास्तव में महात्मा थे, उनको कहते थे श्वेत वस्त्रों के अंदर महात्मा है, श्वेत वस्त्रों के अंदर सन्यासी है। क्या धारण किया, एक संकल्प लिया जीवन में वैदिक शिक्षा के प्रसार का। डीएवी कॉलेज के पहले प्रधानाध्यापक बने, पहले उन्होंने आर्थिक समस्याएं थी, कुछ पत्र वगैरह निकालने लगे, तो आजकल अखबार निकालना भी वो एक दूभर कार्य है। चारों तरफ से उनके ऊपर आक्रमण होते रहे, चारों तरफ से परेशानियां होती रही। नतीजा ये हुआ कि एक दिन महात्मा हंसराज परेशान हो गए और रात को नींद नहीं आ रही, अपने कमरे में घूम रहे थे बेचैन होकर के कि मैंने ये क्या मुसीबत मोल ले ली, इधर पैसे की कमी है, इधर स्कूल की समस्याएं, कॉलेज की समस्याएं हैं, इधर समाज की समस्याएं हैं, इधर प्रकाशन की समस्याएं हैं, दुनिया भर की समस्याएं, इन सब पीछे जो है मुंह बाए खड़ी हुई है, मैं क्या करूं। थोड़ी देर घूमे, परेशान हुए, सर में दर्द होने लगा, आकर के कुर्सी के ऊपर बैठ गए, स्वाध्याय छीन के निरंतर स्वाध्याय करते थे। और महात्मा हंसराज जी प्रमुख रूप से गीता का स्वाध्याय करते थे, सामने गीता की पुस्तक पड़ी हुई थी, अचानक वैसे ही गीता पुस्तक को उन्होंने खोला तो जो प्रश्न सामने आया उसके ऊपर श्लोक लिखा हुआ था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। उस स्वाध्यायशील व्यक्ति का वो स्वाध्याय वहां पर आ गया, उसने देखा मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना मेरा अधिकार है, वो कर्म मैं करता चला जाऊंगा। और उस स्वाध्याय ने पूरे जोश खरोश के साथ, पूरी शक्ति के साथ महात्मा हंसराज फिर अपने कार्य के अंदर। तो स्वाध्याय जीवन के अंदर जरूरी है, जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, अपने को नहीं समझेंगे और सारे ज्ञान को वास्तविक ज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक हम योग के अंदर बढ़ना चाहें, हम भेड़ चाल के अंदर चलना चाहें, योग हमारा कभी नहीं कर सकता। और तीसरा सूत्र क्या लिया कि भाई योग करने के लिए तीसरी क्रिया क्या आवश्यक है, वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के ऊपर सब उसको समर्पित कर देना, जो कुछ भी है अब तेरे हवाले वतन साथियों वाले बात। वो जो है जब भावना आती है, जब ईश्वर के प्रति विश्वास, ईश्वर के प्रति समर्पण होता है, तब तो बड़ी से बड़ी बाधाएं जो है मनुष्य की दूर हो जाती है।
महात्मा हंसराज जी की बात है, अब स्वामी श्रद्धानंद जी की बात याद आ रही है। उन्होंने जो है वो जो मैगजीन निकाली थी उसका नाम, जो मैगजीन उन्होंने निकाली थी, तो खैर वो प्रकाशित होती थी निश्चित रूप से, और वो प्रकाशित होती थी स्वामी श्रद्धानंद को किसी कार्य से जाना पड़ गया। वहीं समाज में एक व्यक्ति थे बहुत ज्यादा जो है चतुर व्यक्ति थे, आचरण भी अच्छा नहीं था, नेतागिरी भी पक्की थी, कहीं उन व्यक्ति के खिलाफ जो लोग समझते थे वास्तविकता सब जानते थे, उनकी वास्तविकता को उन्होंने अपनी मैगजीन के अंदर संपादकीय में छाप दिया। उन्होंने उनके ऊपर, श्रद्धानंद के ऊपर मान हानि का दावा कर दिया। सम्मन आया, आ गए, उनके रिश्तेदार थे, अच्छे वकील थे, उनको भी अदालत में बुला लिया। उनको अदालत में बुला लिया तो बुला करके कहने लगे, वो बोले ला सबूत लाओ। बोले भाई मेरे, मुझे तो ईश्वर पर विश्वास है, ईश्वर के प्रति समर्पित हूँ। उन्होंने कहा अदालत ईश्वर ईश्वर को नहीं मानती, अदालत सबूत मानती है, सबूत लाओ। बोले सबूत तो मेरे पास कोई नहीं है। दोनों आपस में बात करे थे, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद बिल्कुल निश्चिंत थे और इस तरह से पीछे हाथ बांधे हुए खड़े हुए बात कर रहे थे, और अचानक कोई व्यक्ति आया और पीछे उनके हाथ में एक लिफाफा थमा करके चला गया। वो चौंके, देखा पीछे कौन था, वो व्यक्ति तो भाग गया, पता ही नहीं चला। लिफाफा खोल के देखा तो उस लिफाफे के अंदर उस व्यक्ति के जो दुष्चरित्र था उसके सारे के सारे सबूत, सारा कच्चा चिट्ठा उस लिफाफे के अंदर कागजों के अंदर विद्यमान था। ये था ईश्वर प्रधान, ये था ईश्वर के प्रति समर्पण। जिस परिवार में ईश्वर के प्रति समर्पण होता है वहां बड़ी से बड़ी आपदाएं आ जाए, विपत्तियां आ जाए, वो तिरोहित हो जाती। मैं आपसे निवेदन करूं, मेरी माता जी भी ईश्वर के प्रति बहुत बड़ा विश्वास रखती थी। अनेकों विषम परिस्थितियां आई, मैं पढ़ता था, एक बार ऐसी स्थिति आई, मैंने कहा माता जी इस बार पर एग्जाम नहीं ले सकते। क्यों? मैंने कहा परसों जो है वो यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फीस की तारीख है और मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। कहते बेटा ईश्वर पे विश्वास रखो, ईश्वर के का प्रणधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, विश्वास क्या होता है। मैंने उस दिन सीखा, मन दुखी था, सोचा घर में बैठ के क्या करूं, चलो कॉलेज चला जाता हूँ। कॉलेज गया, जाकर के लाइब्रेरी में गया, वहीं कृपा मैसेज आया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ से डिबेट है और उसका प्रथम प्राइज कैश प्राइज है और वो कैश प्राइज मेरी यूनिवर्सिटी की फीस के बराबर है। मैं बोल दिया, ईश्वर की कृपा हुई, ईश्वर का नाम लेकर के, ईश्वर के ऊपर आस्था रख करके मैंने बोलना शुरू किया और वो प्रथम पुरस्कार मुझको मिल गया, मैंने यूनिवर्सिटी की फीस जमा कर दी। ये था मेरी माँ का ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति विश्वास। तो यह जो तीन चीजें हैं, ये जो बीज रूप क्रियाएं दी हैं महर्षि पातंजलि ने, ये हम जब करना शुरू करेंगे तो स्वभावतः है हम जो है पांचों यमों का पालन करेंगे। क्यों आज जो है विकृति होती चली जा रही है? यम के अंदर पहला कह दिया अहिंसा, दूसरे को दुख न देना अहिंसा है, तो इसका मतलब जो दुख देता है वो हिंसक है। तो सबसे बड़ा हिंसक परमात्मा है जो सबको दुख देता है। दूसरे नंबर के हिंसक माता पिता और गुरु हैं जो हर वक्त टोकते हैं, हर वक्त परेशान करते हैं, हर वक्त दुख देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा बैठो ऐसा पढ़ो ऐसे खेलो। तो अहिंसा हम स्वाध्याय करेंगे तब हमें ये पता लगेगा कि अहिंसा का मतलब ये होता है कि न्याय के आधार पर किसी को दुख ना देना, किसी को पीड़ा ना पहुंचाना, ये अहिंसा है। हमने केवल एक सत्य ले लिया, किसी को भी जो है वो हिंसा पीड़ा मत पहुंचाओ, दुख मत दो। अरे किसी को दुख नहीं देंगे तो रोज आपकी सीमाओं के ऊपर जो शत्रु खड़े हुए हैं और आप तो वहां अहिंसा का राग अलापना शुरू कर दो। पर हमने अलापना चाहा, हमने ये कहा हमें आर्मी की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे क्षत्रिय वर्ण को नकार दिया गया जब हमारे देश के अंदर स्वाधीनता प्राप्त हुई कि नहीं कोई पुलिस की जरूरत नहीं है, कोई आर्मी की जरूरत नहीं है। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि आर्मी बनानी पड़ी, क्षत्रिय पैदा करने पड़े। तो उस स्थिति के अंदर जो है क्या है कि हम
स्वाध्याय से ही जो है सही बात वो समझ सकते हैं, किसी शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है, क्या वास्तविक भावना है वो ये। दूसरा योग का है सत्य है, सत्य बोलो। अब अगर जो है जो रॉ है, जो वो हमारी इंटेलिजेंस है, उनके पास कोई आ जाए विदेशी हमारा शत्रु और वो कहे सत्य बताओ, सत्य में तुम्हारा निकाल, सत्य में हो जाएगी, सत्य की विजय होती है, सत्य ही धर्म है, तुम सत्य बोलो और वो सत्य सत्य बता दे, क्या स्थिति होगी हमारी सुरक्षा। तो सत्य को धारण करने के लिए क्या है कि सबसे पहले सत्य का धार को धारण करना चाहते हैं जीवन में, तो ज्ञान सत्य होना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता ज्ञान सत्य होना चाहिए। दूसरी हमारा जो संगति है वो सत्य होनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए, सत्य की संगति होनी चाहिए, हमारे विचार सत्य होने चाहिए, हमारा आचरण सत्य होना चाहिए, हमारा व्यवहार सत्य होना चाहिए और हमारा आहार सत्य होना चाहिए। केवल ये नहीं कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ उसको सही बता दूँ, हाँ उस कमरे में यह खाना जब सच हो जाए, सत्य में जाते कुछ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, शत्रु आपके ऊपर आक्रमण करेगा, परास्त कर देगा। और यही बातें थी जिनको हमने ढंग से न समझा, हमने अपने जीवन के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर जो है हमने जो है तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान से जो है योग को करना प्रारंभ नहीं किया, इसलिए सारी दुश्मनियां हमारे सामने आई। तो आवश्यकता इस बात की है कि सारे आठों अंग साथ साथ हम लेकर के चलेंगे, सबको जीवन के अंदर अपनाएंगे और वो बड़े आसानी से सुविधापूर्वक हम अपना के चले जाएंगे। कब अपना के चले जाएंगे, जब महर्षि पातंजलि का वो सूत्र अपने कर्तव्य में, अपने क्रियाओं के अंदर, अपने एक्शंस में लेंगे, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान। जब ये लेकर के चलेंगे, यमों का पालन भी होगा, पांचों यमों का पालन होगा, पांचों नियमों का पालन होगा, विधिवत जो है हम ढंग से जो है आसन और प्राणायाम कर सकेंगे, वरना स्थिति वही आएगी कि मैं तो इतने जो है वो आसन करता हूँ बैठ करके, इतना प्राणायाम करता हूँ, फिर भी मैं रोग से युक्त हूँ, कैसा ये योग है। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि योग को पूरी तरह से समझा जाए और समझ करके जो वास्तविक भावना है योग दर्शन की, उस योग दर्शन की वास्तविक भावना को धारण करके हम योग को धारण करने के लिए आगे बढ़ें, आगे चलें, निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं, तो कोई इसके अंदर किसी भी प्रकार का जो है संशय नहीं होगा कि चाहे हमारा शरीर का और प्रकृति का बंधन हो, चाहे हमारा शरीर का और आत्मा का योग हो, चाहे आत्मा और आत्मा का योग हो, चाहे आत्मा और परमात्मा का योग हो, हम समस्त योगों को प्राप्त करते चले जाएंगे। मैं अपनी बात को डॉक्टर सत्य प्रकाश जी की बात से जो है समाप्त करता हूँ। उन्होंने एक जगह वर्णन करते हुए लिखा है कि जो पति पत्नी स्वयं में आपस में प्रेम नहीं करते, उनमें आत्मिक बंधन नहीं होता। त्यागी जी की वर्षगांठ है, क्योंकि आत्मिक योग की, इसलिए इसको इस बात से जो है मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि यदि पति और पत्नी के अंदर पूरा प्रेम नहीं होगा, जो पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं कर सकते, वो परमात्मा से भी प्रेम नहीं कर सकते। शुभकामनाएं देते हैं। वैसे तो आप स्वयं में अच्छे से जानिए, जो मेरा आपके प्रति इंप्रेशन है, फिर भी एक फॉर्मेलिटी समझ लीजिए कि शुभकामनाएं देना बनता है। और जैसे कि
बट नागर जी बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि निर्वाह नहीं करते हैं, विवाह का अर्थ ये होता है विशेष रूप से वहन, विवाह। तो विशेष रूप से वहन किया, आपके व्यवहार से बहुत अच्छे से, आपके परिवार से सबसे अच्छा लग रहा है, और यही परमात्मा से आप सब के लिए और हम सब की ओर से शुभकामनाएं देती हूँ कि स्वस्थ रहे। स्वस्थ एक तो होता है शरीर रूपी स्वस्थ, दूसरा स्वस्थ अपने में स्थित, स्वस्थ अपने में स्थित, अपने में स्थित अर्थात सबकी अपनी अपनी यात्रा है। हम दूसरों की ओर ध्यान ना देकर वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या होगा, हम अपनी यात्रा को सुगम बनाएं, स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार परमात्मा के प्रति समर्पित ईश्वर प्रणिधान जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से भटनागर जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझा दिया। तो ईश्वर प्रणिधान को जब हम अपने व्यवहार में ले आते हैं तब वास्तविक समर्पण होता है, तब वास्तविक जो है ईश्वर के प्रति हम समर्पित होकर हम अपना समर्पण करना अर्थात सारी जिम्मेवारी उस पर डालना। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ये भी बात करने की आज इच्छा हुई कि जब हम, जैसा कि भटनागर जी ने कहा कि हम लोग अपनी कुछ कर्तव्यों को निर्वाह करते हैं, मजबूरी में बाहर करना, प्रार्थ का मंत्र बोले जाते हैं, यज्ञ के मंत्र बोले जाते हैं, प्रार्थना की जाती है, कितने हमारे में से हैं जो प्रार्थना के समय, जो प्रार्थना मंत्र, तो मैं बाद में आती, आज तो मेरा प्रार्थना के शब्दों पर ही बार बार ध्यान जा रहा है कि कितने हमारे में से हैं जो वास्तव में उस प्रार्थना के मंत्र शब्द, नॉट मंत्र, शब्द बोलते हुए उसका वास्तविक रूप में अर्थ समझते हुए हम उस पर विचार करते हैं पहले और फिर हम व्यवहार में लेते हैं। कितनी सुंदर प्रार्थना ऋषि के शब्दों में है, अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जा रहे हैं और हम लोग पाठ की तरह, जैसे होता है ना कि एक पाठ तो पूरा करता है ना, अपने बोल दिया, क्या बोला हमें कुछ नहीं पता, अगर कोई बीच में कुछ बोल देता है तो हम भूल भी जाते हैं कि अगला सेंटेंस क्या है। वो भूलने में कोई बुराई नहीं है, याद करना कोई जरूरी नहीं है, पर उस शब्द के अर्थ को समझकर, उस अर्थ की वास्तविकता को जानकर एक इतनी ही लाइन अगर आप ले लेते हैं कि हम उसके उपकारों को जाने, कहीं से भी शुरुआत कर ले, कहीं से भी, हमारे जो सांस चल रहे हैं पहली चीज तो ये, और या मैं ये कहूं कि जब से हम पैदा हुए वहां से चल पड़े, कहां से उपकारों को हम शुरू करें और कहां पर जाकर उस काल, अनंत उपकार है परमात्मा, अगर हमारी ये भावना ईश्वर के लिए बनेगी तो फिर हम अपने कर्तव्यों का विशेष रूप से वहन करें, हम उसके प्रति धन्यवाद हृदय से अनुभव करेंगे और वही हमारा जो है ईश्वर प्रणिधान होगा, वही समर्पण होगा और वहीं से हमारे जो है आस्तिकता, आस्तिक बनना, आस्तिकता की शुरुआत वहीं से होगी कि हम उसमें विश्वास कर रहे हैं और उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। एक प्रवचन के बाद और दूसरी बातें ज्यादा करने की तो जरूरत नहीं है। भटनागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर तरीके से, इतने माहिर हैं, उनको कोई भी, कई बार वो मुझे कहते हैं बता दो कौन सा विषय है, भटनागर जी क्या बताएं आपको, गॉड ब्लेस यू कि आप कोई भी विषय ले लें उसको इतने सुंदर तरीके से जोड़कर बता देते हैं, योग अपना और परमात्मा का। और जो आजकल बना लिया, मैं बैठे बैठे हंसी में कहूंगी कि योगा, शायद इसीलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्योंकि योग तो वो जानते ही नहीं है हम लोग, तो इसलिए चलो योगा ही कह दो, सारा ही ठीक है, सब कुछ जो भी आया, पर उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया। तो बेहतर यही है कि हम शब्द को समझें,
उस पर विचार करें और उसके अनुसार कार्य करें, यही हमारी वैदिक रीति है। अन्यथा बैठकर कुछ भी भजन बोलना, गीत गाना, मैं ये सोचती हूँ कुछ भी भजन के शब्द हो, अगर हम उसके साथ जुड़ जाते हैं ना, आप एक बार, मैं आप इसलिए कह रही हूँ, कहना नहीं चाहिए, हमें कहना चाहिए, हम एक बार उसके साथ जुड़कर तो देखें और फिर जो महसूस करेंगे फिर उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस मामले में मैं रामलाल जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, जिस समय वो प्रार्थना बोलते हैं ना वो सुनने लायक होती है, वो जुड़ जाते हैं। और अगर हम भी एक पल के लिए भी अगर जुड़ गए ना, एक पल जिसको समझते हैं, वो सारे दिन के लिए हमें इतनी ऊर्जा दे देता है। फोन को कितने वरिट हो जाते हैं अगर देखते हैं कि चार्ज नहीं है, अरे आज तो मोबाइल भी चार्ज नहीं है, क्या होगा। अपने को आपने चार्ज किया है, सिर्फ नहाकर फिजिकली फ्रेश होना वो भी बहुत जरूरी है, पर मानसिक आध्यात्मिक रूप से चार्जिंग की भी बहुत आवश्यकता है। और बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारे वैदिक इसमें कोई भी एक शब्द ले लें और उसको अर्थ को समझकर उसको व्यवहार में ले आए। और मैं पुनः भटनागर जी का धन्यवाद करूंगी ये कहते हुए कि हम भाग्यशाली हैं भटनागर जी कि हमें आपका सानिध्य मिलता है। सॉरी कि मुझे प्रॉपर वर्ड्स कई बार नहीं आते हैं, तो भगवान आपको सुंदर सेहत, सुंदर परिवार आपको मिला हुआ है, उसके साथ परमात्मा से जैसे आप जुड़े हुए हैं इसी तरह जुड़े हुए आप सुंदर स्वास्थ्य को अनुभव करते हैं। हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ परिवार के साथ और आप सब के साथ है। आज का प्रीति भोज त्यागी परिवार जी की ओर से है, तो बड़े प्रेम से आनंद से खाते हुए उनको दुआएं देते जाइएगा कि वो स्वस्थ रहे। और खाएंगे तो आप, लगेगा तो हमें ही, जो खाएगा उसी को ही लगेगा, हमें भी वो उसी तरह का स्वास्थ्य आनंद देने वाला हो। इसी भावना के साथ सदैव भोजन करें ताकि खाते हुए जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो हमें उतना ही सुख, उतना ही आनंद और उतना ही स्वस्थ रहे।